हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैंने आपके साथ ये मेकअप शेयर किया है। आई होप आपको अच्छा लगे। और गाइस, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो गाइस, करवा चौथ आने ही वाला है, इसलिए मैंने सोचा उसी से रिलेटेड कुछ शेयर करूं। इसलिए मैंने अपना करवा चौथ लुक किया आपके साथ शेयर कर दिया। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, फर्स्टली मैं बायोटिक का बायो मॉर्निंग नेक्टर यूज़ कर रही हूँ। ये काफ़ी अच्छा मॉइस्चराइजर है और आपकी स्किन को काफ़ी हाइड्रेट कर देगा। इसको मैं अच्छे से अपने फेस में एब्जॉर्ब होने दूंगी, उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगी मेकअप। अब मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे एब्सोल्यूट ब्लर परफेक्ट प्राइमर। ये काफ़ी अच्छा प्राइमर है और ये हमारे पोर्स और फाइन लाइंस को ब्लर कर देगा। प्राइमर के बाद मैं यूज़ कर रही हूँ लोरियल सुपर ब्लेंडेबल फाउंडेशन इन द शेड आइवरी। मेबेलिन फिट मी का मैंने कंसीलर यूज़ किया है इन द शेड फेयर। मेबेलिन फिट मी का ही मैं लूज पाउडर यूज़ कर रही हूँ इन द शेड लाइट। इससे मैं अपने कंसीलर को अच्छे से सेट कर लूँगी ताकि क्रीजिंग ना हो, मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहे। इसके बाद मैं मिस क्लैरी की वाटरप्रूफ आईब्रो पेंसिल यूज़ कर रही हूँ इन द शेड डार्क ब्राउन। पहले मैं स्पूली से अपने आईब्रो को नीचे की तरफ कर दूंगी। उसके बाद मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगी।
उसके बाद मैं आईब्रो को उसी जगह पर सेट करके उसे फिल कर दूंगी। आई मेकअप के लिए मैं यहाँ लैक्मे आइकॉनिक काजल यूज़ कर रही हूँ। इससे मैं एक स्मोकी लुक क्रिएट करूँगी। उसके बाद सेम काजल को मैं अपनी आईज के ऊपर भी यूज़ करूँगी। हमें इसे ब्लेंड करना है, सो नो प्रॉब्लम अगर आपका काजल इधर उधर जाता है तो। काजल का एक कोड अप्लाई करने के बाद हम इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। यहाँ पे मैं आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन का, उसमें से ही मैंने ब्लैक शेड लिया है। मैं इसे काजल के साथ अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। सेम आई शेडो पैलेट से मैं ये डार्क ब्राउन शेड ले रही हूँ। अब ट्रांजिशन के लिए मैं ये अपनी स्किन टोन के साथ मैच शेड ले रही हूँ और इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। इसके बाद मस्कारा मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन हाइपर कर्ल मस्कारा। उसके बाद मैं फॉल्सेस अप्लाई कर रही हूँ। अगर आपको ऐसे ही अच्छा लगता है तो आप यहाँ पे ही अपना आई मेकअप छोड़ सकते हैं।
यूज़ कर रही हूँ शुगर 3-in-1 पैलेट इन द शेड समिट सैटर्न। इसमें से मैंने ये शेड लिया कंटूरिंग के लिए। सेम शुगर पैलेट से हाइलाइटर यूज कर रही हूँ। देन उसके बाद मैं ADS का लिप लाइनर यूज कर रही हूँ। को आउटलाइन करने के बाद मैं यहाँ मेबेलिन की लिपस्टिक यूज कर रही हूँ। द शेड इज Touch of Spice। अपने बालों को मैंने कर्ल कर लिया है। उसके बाद मैं बिंदी और मांग टिक्का लगाकर आपको कंप्लीट लुक दिखाती हूँ। गैस मुझे छोटी बिंदी इतनी अच्छी नहीं लग रही, इसीलिए मैं इसे चेंज कर रही हूँ और बड़ी बिंदी लगा रही हूँ। आप अपने मन के मुताबिक कुछ भी, मतलब कोई भी बिंदी यूज़ कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच।